कहानियां कहानियां कहानियां, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों। इस दुनिया में सबकी कोई ना कोई कहानी होती है। मेरी भी एक कहानी है। मैं एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ही एक कहानी बन जाएगी। तो मैं जा रही हूं। ठीक है, जा। सोने भी नहीं देते। आज ऑफिस का हाफ डे था क्या? तुम्हें क्या लगता है, रात के 9 बज रहे हैं। बस 2 मिनट, मैं अभी नहा कर आता हूं। गौतम, खाना खा लो। बस 2 मिनट। ये भी बकवास है।
बस 2 मिनट में नहाके आया। तुम आज ऑफिस नहीं गई? क्या हुआ? बुखार है क्या? आज कॉफी भी नहीं बनाई। यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं क्या? गौतम, गौतम, I need to talk to you। तुमसे कुछ बात करनी है। ओ, हाँ बोलो ना। मुझ में कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें? हेयर स्टाइल चेंज किया तुमने? नहीं। नया ड्रेस? तो फिर नए सैंडल? आई हैव पुट ऑन वेट गौतम, मैं मोटी हो गई हूं। तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा खा कर थक चुकी हूं, मैं बीमार पड़ रही हूं। शायद तुम भूल गए हो 1 साल पहले क्या हुआ था। हाय। हाय। मैंने आखिरकार डिसीजन ले लिया है। मतलब? बोलो। मतलब मैंने जॉब छोड़ दी है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद तुम? यामिनी, तुम मुझे जानती हो, मैं कॉलेज के जमाने से राइटर ही बनना चाहता था। तुमने मुझे जॉब करने के लिए कहा, इसलिए मैंने कर भी ली। अगर मैंने अभी नहीं लिखा तो कभी नहीं लिख पाऊंगा यामिनी। बट राइटिंग ही क्यों गौतम, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बुक्स कौन पढ़ता है आजकल? टेक्नोलॉजी की बात कर रही हो ना? चाहे रॉकेट को स्पेस में भेजना हो या चाहे तुम्हारा ये लैपटॉप, इसे भी बनाने से पहले किसी ने लिखा ही होगा कि इसे कैसे बनाना है। और जो पिक्चरें हम देखते हैं वो थिएटर में लगने से पहले कोई ना कोई पेन और पेपर लेकर लिखता ही है ना यामिनी। ये दुनिया पेन और पेपर के बिना पूरी की पूरी जिंदा लाश है। तुम्हें यही डर है ना कि लोग मेरी किताब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे। अगर कोई राइटर कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग लिखता है तो लोग उसे पढ़ेंगे और मैं वैसा ही लिखूंगा। बस 1 साल के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। उस दिन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था गौतम, तुमसे प्यार करने का गर्व महसूस हुआ। गर्व हुआ कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो गौतम? जब दिल करता है उठते हो, चाय नाश्ता बनाया होता है तो खा लेते हो, वरना बनाने की तकलीफ तक नहीं करते। अगर खाना परोस कर नहीं दो तो खाते तक नहीं हो, पूरा दिन घर पे बैठ के कार्टून देखते रहते हो, दिन भर बुक्स पढ़ते रहते हो, मेरे आने का इंतजार करते हो ताकि खाना दो और मुझे मिस्टर
पिछले 1.5 साल से बस यही चल रहा है हर दिन। अगर गलती से कभी किसी दिन जल्दी उठ जाते हो तो मुझे स्टेशनरी शॉप पर ले जाते हो पेन पेपर पेंसिल वो सब लेने के लिए और उसे भर देते हो इस कबर्ड में। पूरा कबर्ड देखकर लगता है ये कोई स्टेशनरी शॉप है। इसे लिखने के लिए लेकर आए थे ना, एक भी पेज में लिखा कभी खोला इसे? तुमने इंसल्ट किया है गौतम, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। You've taken me for granted, right? मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, मेरी भी तो अपनी लाइफ में कुछ ख्वाहिश है। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं रोज रोज ये अब सह नहीं पाऊंगी गौतम। प्यार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गौतम, प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्यार एक सच्चा इमोशन होता है, तुम्हें ये सारी चीजें कहां समझ आएंगी? मैं थक गई हूँ गौतम, मुझसे नहीं होता, मेरा दिमाग मेरा दिल फूट फूट कर रोता है। लेट्स ब्रेक अप गौतम। देखो गौतम, ये आसान नहीं है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ये सब कब और कैसे बताऊं तुम्हें। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना गौतम, अच्छे से लिखना। यामिनी, रात को क्या खाना चाहोगी? चाइनीज मंगाऊं या बनाऊं? मैंने बोला ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? जो मर्जी आती है करो। क्या मतलब ब्रेकअप करना चाहती हो? यामिनी, क्या मतलब ब्रेकअप करना चाहती हो तुम? चिल्लाना बंद करो, लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, हम दोनों को साथ में गले में हाथ डाल के हग करते और किस करते हुए सबने देखा ही है ना, जवाब तो ब्रेकअप का मतलब क्या है? ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, इट्स ओवर। अचानक तुम्हें हो क्या गया है? भूल गई तुम मुझसे क्या कहती थी? गौतम, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाती हूँ, तुम्हारी बातें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारा स्टाइल मुझे पागल करता है, दीवानी बन गई हूँ मैं तुम्हारी। तो अब ऐसा क्या हो गया? मेरी आंखें, मेरी बातें, मेरी सूरत तुम्हें बच्चा लग रही है? दिखने में तुम वैसे ही हो लेकिन तुम वो वाले गौतम नहीं रहे। What nonsense! क्या मतलब वो वाला गौतम? उसमें और मुझ में फर्क क्या है? वो गौतम जिससे मुझे प्यार था। और ये वाला गौतम? ये गौतम तुमसे प्यार नहीं करता क्या? ये गौतम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करता है। भाई मैंने तेरी पोस्ट देखी, इतना लंबा कौन लिखता है? शॉर्ट में लिखा था, वैसे किसके लिए लिखा था? एक्सक्यूज मी, एक मिनट भैया, ये एड्रेस बताइए ना। भैया, मेरा नाम भैया भैया नहीं है, मेरा नाम गौतम है, गौतम। हाय गौतम। हाय। ये पता देखो ना, ऑडिटोरियम का है। हाँ, ये तो मेरे घर के पास ही है। जीपीएस को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, कब से गोल गोल ही घुमा रहा है। तुम्हें जाने का रास्ता पता है? आप नाच बलखा के में हारी थी ना? What? No. हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किस लिए? ये जीपीएस के भरोसे रहोगी तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगे, मैं रास्ता दिखा देता हूँ। ओके। नाइस कार। थैंक्स। ड्रेस भी काफी सुंदर है। थैंक यू। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन पहली बार कोई दिल के आर पार हुई है। दिल के आर पार हुई मतलब? मतलब उस पार, वो ऑडिटोरियम देखो सीधा सामने। ओके।
गौतम गाड़ी पार्क कर दो। मैं पार्क करूं? जल्दी पार्क करो, मेरी परफॉर्मेंस है। अच्छा सुनो, जल्दी आना, डांस शुरू होने वाला है। ए, कौन है तू? उसका भाई है क्या? आज सबको हुआ क्या यार? जिसको देखो भाई बना रहा है, भाई दिवस है क्या? मैंने उसको भी कहा था मैं भाई नहीं हूँ, गौतम हूँ, गौतम। ए, दोस्त है? अरे अब क्या बताऊँ, अभी मिले हैं, दोस्ती हो जाएगी। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड मेरे कॉलेज की लड़कियों पर डोरे डालता है, हिम्मत कैसे हुई? प्रोग्राम शुरू हो गया शायद। उसने बड़े प्यार से कहा था कि टाइम पे आ जाना, तो मैं चलता हूँ। अबे चा कहाँ रहा है? आखिर हुआ क्या है बेटी? उसने नौकरी छोड़ दी पापा, कहा मुझसे कि राइटर बनना चाहता है, मेरी हेल्प चाहिए उसे और मैंने हेल्प की हुई, पर वो कुछ लिखता ही नहीं। बेटी ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, उसे मेरी परवाह नहीं है पापा। बार इल्जाम लगाती रही कि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ लिखो लिखो, लिखना कोई आसान काम है क्या? एक नहीं दो नहीं 10 किताबें लिख चुका हूँ मैं, अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ने के बाद खुद से घिन आती है मुझे। राइटर सिर्फ पढ़ने काले नहीं करते, अपने हाथ मुंह से लिखते समझे, और इन सब में वो बात नहीं है। मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे छोड़ के गई ना, अब मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, देखना तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि तुम खूबसूरत हो। अच्छा ठीक है, रूम नंबर 5 कहाँ है? 4 के बाजू में। हे भरतनाट्यम। क्या फूल क्यों नहीं लगा? फूल मतलब? इस चिकन ड्रेस पे एक फूल लगा लेती तो बहुत अच्छी लगती। मैं यहाँ एग्जाम देने आई हूँ, किसी से दिल लगाने नहीं। हुँ? फूल लगा कर आना चाहिए था।
अरे लिखो, एग्जाम नहीं देना है क्या? मेरा हो गया, लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं तुम्हें देखूं। तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंस। सॉरी, गलती से जोर से बोल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? यामिनी। यामिनी? हाँ? बचपन से इतनी खूबसूरत हो, या मुझसे मिलने के बाद हुई हो? ग्यारह लोग कोयले की खान में दब के मर गए। देखो देखो कैसे रो रही है। तुम्हारी उम्र की होगी, इसका पति कोयले की खदान में मर गया और वो उसको जिंदा देखने की चाहत में रो रही है। मैं तो फिर भी जिंदा हूं, मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? ये प्यार नहीं है यामिनी, ये तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी ये अपनों को खोने का दर्द जानती है। देखो किसी अपने को खोने पर कितनी तकलीफ होती है। हमारी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूं, तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अगर मैं गांव में पैदा होता तो हमारा रिश्ता कभी बनता ही नहीं। मैं इसके जैसी लड़की से मिलता और हमारी शादी हो जाती, और बुरे वक्त में वो मेरा साथ देती, अपनी जान छिड़कती। काश मैं इस शहर में पैदा ही ना हुआ होता, काश मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं। अगर मैं हेलंदू में पैदा हुआ होता तो क्या रे छोकरे, ऐसा बीचो बीच काई को सोया रहा तू? चाय दे। तुम यहां हेलंदू में भी पहुंच गई, इसे भी छोड़ने का इरादा है क्या? तुम मुझे छोड़ के चली गई हो ना, तो मेरी राइटिंग में क्यों घुस रही हो? सुवर्णा। चाय दे। ये लो चाय। 7 साल हो रहे हमारी शादी को, और 6 साल का अपना बच्चा भी है, फिर भी आज तक डरती काई को रहे तू? कभी तेरे पे हाथ उठाया मैंने, मारा तेरे को, सुबह मेरा हाथ चला दी? क्या रे, इतनी सुबह सुबह को कहाँ जा रहा है? देखते नहीं बीएमडब्ल्यू मेरा इंतजार कर रही ना, कलेक्टर हो तो कलेक्टरेट के ऑफिस में जाऊंगा। 10वीं में 503 मार्क लाया था मैं, हमारे यहाँ के सारे अफसर लोग के बच्चों से ज्यादा नंबर था मेरा। दारू पी को तुमने हाथ तोड़वाया और तुम्हारी जगह मैं मजदूरी करने को जा रहा, और बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहा हूँ? खदान का मजदूर कहाँ जाएगा, खदान में ही जाएगा ना? 20 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाना काफी नहीं था? जो ये अनपढ़ को मेरे गले में डाल दिया तुम, मेरे को कुछ भी समझ में आता, उससे पहले ये बच्चा 6 साल का हो गया। ऊपर से रोज की खिच खिच,
कहाँ पे जा रहा है, किधर को जा रहा है? आइंदा फिर से मेरे को सवाल पूछे तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। दूसरा हाथ तोड़ेगा तू? हाथ तोड़ ले, तोड़। ए, ज्यादा बोलो मत, बैठो अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। नमस्ते। और सब लोग मेरे घर के आगे जमा क्यों हो रहे? अरे तुम कैसे भूल सकते हो भाई, आज इलेक्शन का काउंटिंग है ना, सबको पक्का यकीन है कि तुम ही जीतोगे, इसलिए सोचा कि सब एक साथ काम पर जाएंगे। ऐसा क्या? लेकिन मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ छोटू को, बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है भाई, चल छोटू जल्दी बैठ, जल्दी संभल कर भाई, गिनती शुरू होने वाली, जल्दी आना। ठीक है, ये पकड़ मत। श्रीनु, ऑल द बेस्ट। ये याद इधर आ। हाँ भाई, केबल वाले को बोल के मेरे घर की लाइन कटवा दे। क्यों, केबल काम नहीं कर रहा है क्या? ज्यादा है, काम करने लगा है, जल्दी कटवा इसको, अंग्रेजी बोल रही है अनपढ़। ठीक है भाई। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल्स का साथ दें। क्या रे, चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना भाई, एकदम मस्त लग रहे हो भाई। क्या रे शीनू के बच्चे, वोट की गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई और तेरे को लगता है कि तू हीरो बन गया, सबके सामने स्टाइल मारता है। वैसे तुझे क्या लगा था तू जीत जाएगा, वो भी यूनियन ऑफिस के सामने ये सब करने से? देखो पटनायक भाई, एक बात फोकड़ में बताता हूँ, 10 साल से तुम यूनियन लीडर बनते आए हो, वो भी एक तरफा चुनाव से, दहशत के मारे तुम्हारे सामने कोई खड़ा होता नहीं है, तो 10 साल के बाद मेरा जैसा कड़क लीडर तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। वोटिंग तो सिर्फ नाम के लिए चेना, रिजल्ट तो सबको ही मालूम है। सातवीं पेटी के बाद श्रीनू 23 वोट से आगे। अबे जश्न मनाने की इतनी भी क्या जल्दी है? सुन बे, सातवीं पेटी की गिनती हुई है आखिरी नहीं, 23 वोट ज्यादा क्यों मिल गए? तेरा तो पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया। मुन्ना जंग भी जारी है, 10वीं पेटी खुलेगी, 20वीं पेटी खुलेगी, फिर तेरी पतलून खुलेगी, फिर क्या होगा? एनजीओ ओपन कास्ट। हाँ, एनजीओ ओपन कास्ट वाले भी हमारे साथ हैं, तो तू घर जाना बेटा और जाके आराम कर। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव भारी वोटों से जीतने वाले युवा उम्मीदवार हैं, जी हाँ, श्रीनु। अरे सुवर्णा, तुम्हारी माँ यहाँ पर आई है क्या? माँ यहाँ पर क्यों आएंगी, वो तो अपने गांव में है। तो तुम्हारे पापा जरूर आए होंगे, है ना? पापा माँ के साथ गांव में होंगे, इधर काय को आएंगे? तो मेरी पीठ कौन रगड़ेगा? आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैनेजर साहब, कितनी बार बोला मैं आंख में लेजर लाइट नहीं मारने का, मैं क्या भेड़ बकरी दिख रहा हूँ तुमको? दिन रात इज्जत दे रहा हूँ तो सरपेज बैठ रहे तुम? इतने शोर शराबे में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए लाइट मारी। आवाज सुनाई नहीं देती तो मशीन पर चढ़कर कान में चिल्लाओ, पहले मेरा दिमाग खराब करते बाद में मेरे को छनकी बोलते। वो सब छोड़ो, नीचे उतरो, बात करनी है। क्या है बोलो? जूनियर वेलफेयर ऑफिसर की जगह मिस स्मिता ज्वाइन हुई है, तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना है, इसलिए उनसे मिलवाने आया हूँ। स्मिता मैडम, श्रीनु। हाय श्रीनु। श्रीनु सर। श्रीनु सर। श्रीनु सर। स्मिता मैडम। हाँ स्मिता मैडम। हाँ मैडम, मैं श्रीनु, इधर का यूनियन लीडर। हाय श्रीनु, आई एम स्मिता। मैडम हाथ गंदा मेरा। कोयले की खदान में काम करके तो हाथ गंदे ही होंगे ना। कोई बात नहीं, हाथ मिला सकते हो। मिलकर अच्छा लगा। भाई आपने नोटिस किया, जब आप यूनियन लीडर थे तो बुड्ढे शुड्ढे वेलफेयर ऑफिसर आते थे, और जब से ये यूनियन लीडर बना है तो अप्सरा जैसी वेलफेयर ऑफिसर आई है, और वो उसके साथ हाथ मिलाकर उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने कभी ऐसे हाथ मिलाया? बेटा सैदुल। हाँ भैया। तू यहाँ नया है क्या? एक बार ये नौकरी पकड़ लेते ना तो रिटायर होने तक हटते नहीं है।
अगले साल फिर चुनाव होगा और हमारी किस्मत अगर अच्छी रही तो अगली बार तो हम ही जीतेंगे। फिर तो भाई आप भी हाथ सहलाओगे। मैंने ऐसा बोला क्या बे? काम कर अपना, ठहर की कहीं का। ये चिपक काय को रही है, उधर मुंह करके सो जा। बोला ना चिपक मत मेरे को, वैसे गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है, लात मार के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। लगता है आजकल ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ हो रही है। मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तेरे पास काहे को आऊंगा मैं? हाँ मत आना। अरे कभी पास नहीं आऊंगा, अनपढ़ जाहिल बेवकूफ। हाँ सारी पढ़ाई लिखाई तो तुमने की है। कोयले की खदान में हाथ तो गंदे होंगे। उधर भी क्लियर है, शुरू हो गई है। हाँ ब्लास्ट शुरू हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा। इसे बारूद भरने को एक घंटा लगेगा सर। हाय मिस्टर श्रीनु। ठीक है श्रीनु। हाँ श्रीनु को बुलाओ ना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ रेडी। अरे वहाँ मैडम आई है पीछे। कौन आई है? मैडम। हाय। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इधर कैसे? कुछ खास नहीं श्रीनु, मैनेजर ने कहा कि तुम मुझे खदान की पूरी सैर करवाओगे तो मैं यहाँ पर आ गई। हाँ हो जाएगा। बात कितनी बार बोला, एक जरूरी काम आया है मेरे को, मैडम को खदान दिखाने की है, मैं जाकर आता हूँ। आप मैडम को संभालो भाई, मैं काम संभाल लूंगा। मतलब काम की फिक्र मत करो। चलो। नहीं नहीं श्रीनु यहाँ बैठो, जल्दी चलो भैया। वाओ वो उधर ही। देखो ये पूरा जो एरिया है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ आऊं, और आज मौका मिल भी गया। वो उधर देख रही मैडम। हाँ, वहां से चल। ये ठीक से चला ना रे, क्या कर रहा, देख के चला। देखिए मैडम। हाँ। वो जो हिस्सा है ना, वो अपना ही चे। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। ये कौन होता है मेरी दारू बंद करवाने वाला जी? ए श्रीनु नीचे। क्या रे ये सब ड्रामा क्या चल रहा है? हाँ पैदा बाबू को दारू छोड़ने क्यों बोला? वो पिएगा, काम पर भी आएगा और तू कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? यूनियन लीडर बन गया तो खुद को मालिक समझने लग गया। पटनायक भाई तुम लोग क्या प्लान बनाकर आए ले मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर घेरे बांध पकड़ कर गलती कर दी है। अब ऐसा करो एक नजर पीछे मुड़ कर देखो, अगर मैंने इनको इशारा कर डाला ना तो खदान में इस दफन कर देंगे। क्या बोलते भाई लोग? अरे पागल है क्या, मजाक भी नहीं समझता क्या? अरे कॉलर तो मैला हो गया है, वही तो मैं चेक कर रहा था। अरे मुझसे कह दिया होता मैं धुला देता ना। अरे तू हमारा लीडर है, हीरो दिखना चाहिए। ए बड़ाओ दोबारा पी के आया ना तो दूंगा तेरे को। सब लोग एक बात समझ लो, अगर काम पे कोई पी के आया ना तो उससे पूछे बिना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो अपने अपने काम पे, मैं शाम को मिलता हूँ। ए चलो। ओ पटनायक भाई सलाम मारना भूल गए क्या? नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। ए, चल साइड। ए चीचा तुम रुको, तुमसे कुछ बात करने की है। क्या तुम है सब काम पर लगो? दो बेटे ना तुम्हारे? हाँ तो छोटे वाले का नाम क्या है? कार्तिक। वो बहुत आवारा गर्दी करता दिखता मेरे को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता क्या? तुमको क्या करना है उससे? वो डॉक्टर बन सकता है मालूम? तुमको तो पता ही है 10वीं में मेरा 503 मार्क आया था, दारू के नशे में बाप हाथ तोड़ लिया और मजदूरी मेरे को करनी पड़ रही है। तुमको भी अपने बच्चे को मजदूर बनाने का क्या? उनकी जिंदगी काय को खराब कर रहे हो? जाओ नशा उतरेगा तो काम पर आ जाना। और सुनो
अगर दारू पिए बिना काम पर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे ना तो तुमको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलवा दूंगा और पैसे बच्चों के नाम पे बैंक में रखवा दूंगा। फिर तुमको जो करना है करो, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। जाओ अब डूबो नशे में। तुम जैसे लोग लगता है बच्चों से मजदूरी कराने के लिए पैदा हुए हो। कैसी बुढ़िया ऑफिसर थी, क्या उसने आपके साथ कभी बैठ के खाना खाया? अपने कैबिन में बैठ के खराटे मारती थी। और इस हसीना को देखो, श्रीनू के साथ चिपक रही है, देखो उंगलियां चाट चाट के उसके डब्बे में से खाना खा रही है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ए, तेरा मुंह बंद नहीं होता क्या? सब देख रहा हूं मैं। मुंह बंद कर और चुपचाप खाना खा, समझा? ए नरसिंह, मैडम के लिए एक और डोसा लेकर आ रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफी है, अब मैं ये खा लेती हूँ और तुम मेरा टिफिन खा लो, ट्राई करके देखो। हे आदि, मैडम अपना बॉक्स मेरे को दी। ए, खाओ ना। क्या मैडम, तुम भी? क्या, ये डबल रोटी बीमारी में ही खाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा इसको। ये डबल रोटी नहीं है श्रीनू, ये वड़ा पाव है। मुंबई में लोगों का एक वक्त का खाना है ये। इसको बड़ा बोलते छोटा ही है तो। रुक रुको, मैं दिखाती हूँ। देखो एकदम आसान है ये। इस तरह से पाव को लो और इसके बीच में वड़ा रखो और हो गया, खाने के लिए तैयार। चलो मुंह खोलो। भाई उसने डबल रोटी लाई, उसे खोला, उसपे कुछ डाला और उसे ऐसे खिला रही जैसे कोई दूध पीते बच्चे को खिला रही हो। अबे सैदुल, तुझे आज ना मैं चांद से मार दूंगा। चुपचाप खाना खाना। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है मैडम। ये देखो, इस सॉस के साथ खाओगे तो और भी टेस्टी लगेगा। अब कैसा लगा? ये चटनी तो और भी अच्छी है मैडम। चटनी नहीं, सॉस है। कैसे जंगली की तरह खा रहे हो, पूरे मुंह में सॉस लगा लिया, पूरे बच्चे हो। हाय, इसने तो अब इसका मुंह भी चाट लिया। छी, मुझे बहुत घिन आ रही है। आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अबे कब से बकबक किया जा रहा है, मुझे खाना भी नहीं खाने देगा क्या? श्रीनु जी, आपके बेटे के अच्छे नंबर नहीं आए हैं। ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इसे अभी और मेहनत करनी होगी। आपको इसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई काई को नहीं करता तू? ये होशियार है मैडम, यूनियन के काम में बिजी था, भूल के ध्यान नहीं दे पाया। अब मैं ध्यान दूंगा मैडम। चल जल्दी चल। बच्चों के अंदर माँ बाप दोनों के सारे गुण आते, तू जाहिल अनपढ़ इसलिए तेरा बच्चा भी पढ़ने को नहीं पा रहा। घर पे मेरे को चैन से जीने नहीं देती, अब बाहर भी जीने नहीं देगी। गवार जाहिल, इसको क्लास में बिठा और तू जा घर। अरे ये बुढ़ा हमें बुलाकर कहाँ चला गया? दारू पीने गया होगा। क्या पढ़ना है भाई, तुमको भी मैडम ने बुलाया क्या? और भाई कैसा है तू? हाँ मैं अच्छा हूँ। मैडम बुलाई मेरे को। आ जाओ ना अंदर, आप बड़े किस्मत वाले हो। कौन है? मैडम मैं हूँ, श्रीनू। ओ श्रीनू, अंदर आ जाओ ना। मैडम बुला रही मेरे को। ए तू दरवाजे पे खड़े रह। गुड इवनिंग मैडम। हाय गुड इवनिंग, अंदर आओ। श्रीनू दरवाजा बंद कर दो प्लीज। मैडम बोली दरवाजा बंद करने को। ऐसा क्या? ओ बाप। भाई ये क्या हो रहा है, जब कोई लेडी ऑफिसर के कमरे में जाता है उसे दरवाजा खुला रखना चाहिए ना। हा? आप तो दरवाजा खुला रखते थे उस बूढ़ी मैडम के साथ। क्या हो रहा है ये? वो ठहरी मुंबई की मैम, ये ठहरा गांव का छोकरा। अंदर घुसते दरवाजा बंद कर दिया, क्या बात है? पता नहीं अंदर क्या गुल खिलाएंगे लोग, दरवाजे में होल भी नहीं है, देखो कहां से। अरे सैदुल सुन ना, इधर आ तेरे को एक बात बताता हूँ। क्या बे? अरे भाई अभी तो उसका आदमी है कि मेरा। हाँ एक बार और बोला ना तो बाल्टी से मारूंगा। भाई आप भड़क क्यों रहे? चुप कर। मैं तो बस यहाँ पर जोर है वो बता रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बैठ जा। चल खसक। श्रीनू सारी 120 फाइलें और उनके चेक्स तैयार कर दिए हैं मैंने। तुमने जो लिस्ट दी थी उसी के हिसाब से किया है सब, एक बार देख लो। थैंक यू मैडम, आप तो बहुत जल्दी काम कर दी।
इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? सब कुछ सही है मैडम, लेकिन पैदा बाबू का नाम किधर नजर नहीं आ रहा। ये पैदा बाबू कौन है? मतलब वो रतन चीजा का। वो नाम तो है उसमें, उनका अमाउंट भी बड़ा है, ऐसे छूट नहीं सकता, वही लिखा होगा। मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था। कहाँ है, कहाँ है? कुमार स्वामी, मनोहर, नरेश, कहाँ गया? ये रहा। अरे इधर ही तो लिखा हुआ है। मैं भी ना, मेरे को दिखाई नहीं पहले। पता नहीं किधर को देख रहा था। नो प्रॉब्लम श्रीनु, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम चेक ले जाओगे? हमेशा की तरह डिपॉजिट कर दो, मैं सबको बोल दूंगा। दरवाजा खुला ही छोड़ दो शीनू, बहुत गर्मी है आज। अब इसको गर्मी लग रही है, पहले का ठंड लग रही थी। ओ पैदा बाबू, इधर को आओ, खुशखबरी देनी तुमको। अब क्या है? इंश्योरेंस का चेक आया है, 1,90,000। अब क्या करोगे? तुम ही सलाह दे दो, क्या करना है? देखो, कार्तिक के लिए बाइक खरीदो, कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ चीचा, तुम ऊपर देख रहे हो। एरोप्लेन ढूंढ रहा हूँ। एरोप्लेन? हाँ, मैं कार्तिक के लिए खरीदने की सोच रहा हूँ। हाँ, अगर कार्तिक डॉक्टर बन गया तो मैं उसे प्लेन दूंगा। वो रोज प्लेन में बैठ कर लंदन जाएगा, मैं उसे लंदन में ही पढ़ाऊंगा। पैसा मेरा है, जो जी में आया करूंगा। पहले तूने मेरी दारू बंद करवाई। अगर कार्तिक डॉक्टर नहीं बनाना तो तेरी खैर नहीं, ये बात याद रखना। तुझे प्लेन में बिठा कर उड़ा दूंगा, चल रहे। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है भाई? अरे छोड़ ना, चीचा की खसक गई है। अरे मैडम, आप बोलो मैडम। सुन श्रीनू, यहाँ आसपास कोई अच्छा शॉपिंग मॉल है क्या? है ना मॉल मैडम, इधर ही सामने ही। मैं अपनी फटफटी पे आकर तुमको दिखाता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, बाइक की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, जैसा आप बोलो। पापा चाय। क्या हुआ बहू, कोई आने वाला है क्या? नहीं पापा, वो छोटू को स्कूल से लेने जाने वाले थे लेकिन अभी तक आए नहीं। स्कूल तो 1 घंटा पहले ही छूट गया, पर ये लोग अभी तक आए नहीं हैं। श्रीनु अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो यूनियन लीडर बन गया है। उसे बहुत काम रहता है, किसी काम में फंस गया होगा। आपने सही कहा, छोटू को मुझे लेकर आना चाहिए ना। मैं आती हूँ, ठीक है? आप यहीं रहो। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ। श्रीनु ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा, जाओ पहनकर आ जाओ। मैं नहीं पहनता ऐसे कपड़े। श्रीनु मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े हो गए हैं, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने आई हूँ। देखो, तुम्हें इन खाकी कपड़ों में तो रोज देखती हूँ, मुझे देखना है तुम फॉर्मल्स में कैसे देखते हो। सुपर कूल लगोगे, ट्रस्ट मी, यू लुक ग्रेट। जाओ पहन कर आ जाओ, जाओ। ओ श्रीनु वेट, उस शर्ट पर ये पैंट ट्राई करके देखना। कसम मैडम, इन कपड़ों में तो एकदम जेंटलमैन लग रहा हूँ मैं। वाव, क्या बात है, कमाल के लग रहे हो। लेकिन कुछ तो कमी है। ओ या, आओ बेल्ट, एक मिनट रुको। अरे मैडम नहीं नहीं, मैं खुद पहनता हूँ, मैं पहनता हूँ। देखो मैडम, पट्टा बांध लिया मैंने। अरे पिचकारी कर को मार रही है, होली थोड़ी है आज, ठंडा ठंडा क्या है ये? अरे खुशबू आ रही है इसमें से। परफ्यूम है श्रीनु, इसकी अलग ही खुशबू होती है। हवा में छिड़को तो अलग खुशबू, खुद पर छिड़को तो अलग तरह की खुशबू, और तुम पर वाह एकदम मस्त। आज स्कूल में मजा आया। आज स्कूल में पढ़ाई की? हाँ, मजा आया। हाँ मम्मा। कितना मजा आया ना शॉपिंग करके। हम फिर से आएंगे। तो श्रीनु का इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए रात को इतने नखरे करता है। अब तू जरा घर आ, तेरे को अच्छे नखरे दिखाऊंगी।
सो गई क्या? आ गया मैं। आ गए तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं क्या? महाराज आ गए, महाराज आ गए नारे लगाऊं? क्या बकवास कर रही तू? मैं खाली बोला कि मैं घर पे आ गया ना। आप कल आए थे, आज आए थे, कल भी आओगे, उसमें नया क्या है? कैंची माफ एक जवान जला रही, क्या हुआ इसको? क्या हुआ, अभी तक बिस्तर में लेटी है? तौलिया नहीं दी, पीठ नहीं घसी, कपड़े नहीं दी, कम से कम खाना तो दे दे, भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे भूख लगी, खाना दे मेरे को। खाना खुद निकाल लो और खा लो। खुद लेकर खा लूं? ये तो बोल क्या बनाई है? दाल चावल है, खाओ और सो जाओ। ए, वो जबान चल रही है तेरी, लगता है पट्टे का स्वाद चखने का तेरे को। फालतू में गुस्सा काय को कर रही मेरे पे? गुस्सा नहीं कर रही हूँ, खाना खाओ और मेरा सर मत खाओ। हाँ दिन भर खदान में एड़िया घसो और घर पे सुकून के तो निवाले नसीब नहीं होते। लाइट बंद करो, सर में दर्द है, बंद करो। देख तो तेरे लिए क्या लेकर है? अभी मेरे को कुछ नहीं देखने का है, सुबह देखूंगी। हाँ जब तक तू देखेगी नहीं लाइट बंद नहीं करेगा मैं। ओ, ओ, चैन से सोने नहीं देते हो। हाँ अब क्या बताऊं, यूनियन लीडर बनने के बाद रोज नए नए अफसरों से मिलना पड़ता ना मेरे को। इस खाकी वर्दी से तंग आ गया था मैं, इसलिए कुछ कपड़े खरीदे, और दो साल से तेरे लिए कुछ खरीदा नहीं था मैंने, तो ये साड़ियाँ ले आया मैं। ये हरी वाली साड़ी में एकदम हरियाली लगेगी तू। हाँ अरे देखना, ए अरे गुस्सा गुस्सा थूकना। सिर में दर्द है तो दवाई वाई खाई के नहीं तूने? चल अब रख दे साड़ी, सो जा, आजा। औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। नया कपड़ा मिला नहीं कि पहन डाली उसको। संक्रांति आएगी, होली आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तब पहनना चाहिए था ना। ओफो, तुमने ही तो कहा था ये साड़ी मुझ पर अच्छी दिखेगी। ठीक है ठीक है, रहने दे, अच्छी लग रही है। ये वाली पहन ली कोई बात नहीं, पर बाकी नई साड़ियाँ त्यौहार पे ही पहनना। अच्छा ठीक है, समझ गई। अच्छा सुनो, आज रविवार है तो बताओ खाने में क्या बनाऊं? चिकन करी बनाऊं या फिर चिकन फ्राई बना दूं? अरे पापा से पूछ लो, वो जो बोले वो बना दे। पापा। हाँ। आज सबके लिए चिकन करी बनाओ या फिर चिकन फ्राई बनाओ? करी ही बनाओ, रोटी के साथ अच्छी लगती है। सुना, पापा ने चिकन करी बनाने को कहा है, तो जाना कड़छी लाने आऊं क्या? ठीक है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रीनू, आज बिरयानी खाने का मन हो रहा है, क्या अच्छी चिकन बिरयानी कहाँ मिलेगी, मुझे बता सकते हो? बिरयानी शहर में अच्छी बिरयानी तो नहीं मिलती मैडम, लेकिन मैं एक ढाबा जानता हूँ, वहाँ अच्छी बिरयानी मिलती है। एक मिनट मैडम, आप ठीक 1 बजे पार्क में मिलिए, मैं बिरयानी लेकर आता हूँ, साथ में बैठ के खाएंगे। ओके श्रीनू। ए, क्या कर रहे हो? पापा देख लेंगे, किचन में क्यों? किचन में मूड आया तो किचन में ही। मत करो, पापा देख लेंगे। वो सुपर हीरो है क्या? दीवार के आर पार देख लेंगे। अरे अब बस करो ना,
बनाने दो ना खाना, आज क्या हो गया है तुम्हें? आज क्या खिलाने वाली हो हमें? पापा को चिकन करी खानी है, इसीलिए चिकन साफ कर रही हूँ। वैसे बहुत दिनों से तेरे हाथ की कढ़ाई बिरयानी नहीं खाई। ओफो, अच्छा हुआ करी बनाने से पहले बता दिया। आप जाओ नहा कराओ, मैं मस्त कढ़ाई बिरयानी बनाती है। अरे वैसे तू भी साड़ी में हरा भरा कबाब लग रही है। जाओ नहा लो। क्या अभी मीटिंग करना है? रविवार को कोई मीटिंग रखता क्या? हमारे बीवी बच्चे नहीं क्या? अच्छा यूनियन के सभी लोग पहुंच गए। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ हाँ मैं पहुंचा दे। सुवर्णा हाँ? मेरे को निकलने का, अभी यूनियन से फोन आया था, बहुत जरूरी मीटिंग है, सब लोग पहुंच चुके। अरे एक मिनट रुको, बिरयानी बनाने को कहा बिना चखे ही चले जाओगे क्या? तो क्या ठूस लू फटाफट? हाँ नहीं रे लेट हो रहे, मैं रात को आके खाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं डिब्बे में भर देती हूँ, वक्त मिलेगा तब खा लेना। ये लो। चलता हूँ। श्रीनु, एक मिनट। जल्दी कर। आपको बिरयानी बहुत पसंद है ना, एक डिब्बा कम पड़ जाएगा, इसीलिए एक और डिब्बा लाई हूँ। श्रीनु बहुत प्यार से बिरयानी बनाई है, किसी और को मत खिलाना, खुद ही खाना। ठीक है मैं खाऊंगा। क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रहे हो? ऐसा गुलाबी कपड़ा पहन के कभी घर से निकला नहीं मैडम। तुम एकदम हीरो की तरह लग रहे हो। रुको यहाँ देखो ना। अरे नहीं मैडम, क्या अरे कर रहे हो? पोज करो। अरे नहीं ना मैडम, मुझे क्लिक करने दो ना, देखने तो दो। लेने दो ना। स्माइल प्लीज मैडम। क्या गजब की छोरी है, पूरे शहर में ऐसी कोई नहीं होगी। क्या कर रहे तुम सब? निकल निकल, भागो भाई, भाग क्या घर में मां बहन नहीं क्या तुम्हारे? तू क्या कान के नीचे एक जिधर देखो हवस के पुजारी घूम रहे। आप बिरयानी खाई नहीं मैडम? बहुत अच्छी है, खिलाऊं क्या? अरे मर गया। अरे सुवर्णा, अरे बेटा मैं गिर गया। क्या हो गया पापा? अरे सुवर्णा कैसे? मैं फिसल गया बेटा, बहुत दर्द। एक मिनट एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ओ माँ माँ ओ माँ। मस्त है ना? बात कर लो ना श्रीनु, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। हेलो, कौन बोल रहे? अरे पापा अचानक से स्टूल से फिसल कर गिर गए हैं, शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम अभी कहाँ हो, जल्दी घर आओ। अरे रे रे रे, बुड्ढा कैसे गिर गया? अच्छा कोई बात नहीं, उसे कॉलेज अस्पताल ले जाओ, कहना यूनियन लीडर श्रीनु ने भेजा है, वो सब संभाल लेंगे। समझ में आई? मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, जैसे मीटिंग खत्म होती आके मिलता हूँ तुमसे। हाँ तुम जाओ, तुम जल्दी लेकर जाओ हॉस्पिटल। क्या हुआ श्रीनु? एक पहचान का बेचारा बुड्ढा गिर गया। मैं बोला मेरा नाम इस्तेमाल करके अस्पताल में भर्ती करवा दो, क्या कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ना। और कितनी दूर है? नजदीक ही है, बस दो मिनट और। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा पापा, घबराइए मत। बिरयानी कैसी लगी तुमको मैडम? बहुत अच्छी है श्रीनु, एकदम बढ़िया। श्रीनु को बुला लो बेटा। हाँ वो आ रहे हैं, किसी मीटिंग में फंस गए हैं। बस पहुँच गए पापा, पहुँच गए। मम्मा मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या तुमने हाथ नहीं धोए थे? मम्मा देखो पापा। तो मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है, अपने बाप को तड़पता बिलखता छोड़ इम्पोर्टेंट मीटिंग तो यहाँ हो रही है। प्लीज मैंने बहुत ज्यादा खा ली। नहीं
क्या कर रहे हो, फोन में क्यों देख रहे हो? हाँ क्या हुआ मैडम? इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना है, सिग्नल हरा, चलो निकलो जल्दी। हाँ चलता हूँ मैडम, मुझे थोड़ी यहाँ रुकना है। बज गए, सोना नहीं है क्या? आ रहा तू जा। पता है तुम कितना ज्यादा शर्माते हो। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। तेरे को स्कूल जाने का है कि नहीं? चल भाई जल्दी। नमस्ते श्रीनु भाई। श्रीनु क्या बोल रही थी? मेरे को तुमसे एक बात कहने का है। हाँ बोल क्या? आजकल आप सुबह जल्दी जाते हो और रात को भी देर से लौटते हो, और आप यूनियन लीडर भी हो। ये क्या तू टाइम पास कर रही है इधर खड़े खड़े? बातें मत बना, जो बोलने का सीधा बोल। मैं कहना चाहती हूँ वहाँ पास में एक लाइब्रेरी है, वहाँ सिलाई और बुनाई का काम सिखाते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी सीख लूँ। तो ऐसा सीधा सीधा बोलने का ना, क्या फीस कितना है? सिर्फ 2,000 रुपया। ये ले फीस के पैसे, मन लगा के सीखना, पैसा वेस्ट मत करना। ए, चल जल्दी बैठ। अच्छा श्रीनु, छोटू को रोज मैं ही स्कूल छोड़ेगी और वापस भी ले आएगी, और यूनियन लीडर बनने के बाद आप बहुत बिजी रहते हैं ना, इसलिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो ये भी ठीक है, चलेगा। नाश्ता करना है? नहीं नहीं मैंने अभी तक नहीं किया। तो आ जाओ। ठीक है मैडम, साथ में करते हैं हम लोग। आओ भी पहुंचा बस। ओके। ये लो। अच्छा। और लो। ये भी अच्छा। क्या कर रहा रे? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। आपको पता चला कि नहीं? आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे सीनू भाई कांग्रेस। अरे सीनू कांग्रेचुलेशंस। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है पटनायक भाई, मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? क्या भोला बन रहा है, पार्टी कब दे रहा है? काय की पार्टी? अरे अब तो हमारा परमानेंट यूनियन लीडर बन गया, लिख के देता हूँ मुबारक हो। अरे काय की मुबारक बात दे रहे तुम लोग मेरे को? अरे ये देख मैडम बुला रही है, जा मिल ले, बाद में मिलते हैं ठीक है? बधाई हो श्रीनु भाई। चल जा। ऑल द बेस्ट। मुंह बंद करो निकल। कांग्रेचुलेशंस, कितनी बड़ी खुशखबरी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हां मैडम तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई, वो लोग भी सुबह से मेरी टांग खींच रहे। क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी सुंदर और स्मार्ट बीवी है और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, नॉटी। सुवर्णा यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आई है। अरे श्रीनु क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? श्रीनु सुवर्णा ये क्या है, ये क्या है ये सब? सुवर्णा श्रीनु, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारी शादी के वक्त मैं 12वीं पास थी,
मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, तब जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा? अगर तुम्हारा पति कभी प्यार से तुमसे कुछ पूछता है तो गलती से भी उसे मत बताना कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ 10वीं पास है, इसलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और उसके जमीर को चोट पहुंचेगी और इस वजह से तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं छठी में फेल हो गई और आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आपको आपको पढ़ी पढ़ी लिखी औरतें पसंद हैं। इसीलिए मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने जमकर पढ़ाई की श्रीनु, लेकिन अखबार में फोटो छप जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। आपको ये सब पसंद है ना? ऐसी मेकअप करने वाली और इस तरह के कपड़े पहनने वाले, मैं भी वैसे ही तैयार होंगी शिनू। आपको अगर इतने छोटे कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी। नहीं सोना सब। अगर इससे छोटे कपड़े पसंद है तो मैं वो भी पहनूंगी। मत कर। आप कहो तो मैं क्या कर रही हूँ? छोड़। क्या कर रही? तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तेरे को करने की जरूरत। हाथ जोड़ती हूँ श्रीनु, मुझे और मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना श्रीनु, कभी नहीं मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आपकी किसी बात को कभी नहीं टालूंगी, हमें छोड़कर मत जाना श्रीनु। सुवर्णा के लिए कोई स्मिता जैसी लड़की को छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई छोड़ने का दावा करता है तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन श्रीनू ने समझौता किया और अपने परिवार के पास वापस चला गया क्योंकि वो मेरे जैसा समझौता करने वाला है। हम जो अंदर से होते हैं वैसी ही बातें लिखते हैं और मैं वैसा ही हूं। याद है यामिनी ने क्या कहा था? प्यार एक समझौता है, प्यार एक बलिदान है, प्यार आत्मा का मिलन है, और न जाने क्या क्या कहा था। अब उसे दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है। अरे गौतम, ये सब क्या है भाई? घर की क्या हालत कर दी है तूने? तू तो शादीशुदा है ना, तो बीवी के साथ झगड़े के बाद घर की हालत ऐसी नहीं होती है। झगड़े करते हैं लेकिन ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते। अरे तेरे हाथ को क्या हो? तू यहां पे क्यों आया? मुझे बाहर जाना है, तू भी निकल चल। ए रुक, तुझे पब्लिशर से 1,00,000 रुपए एडवांस चाहिए थे ना? 1 नहीं है 2 लाख रुपए हैं। दुगने जज्बात से लिखना, गौतम मेरे डैडी तुम्हें बेटा मानते हैं और तुम्हारी किताब छापने के लिए मान गए। आई ट्रस्ट यू मैन, कुछ अच्छा लिख के दिखाना यार। मेरे डैडी की नाक मत कटवाना प्लीज। वो देख, लिखना शुरू कर दिया मैंने। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है, तू जाकर पढ़ ले। मैं जरा यामिनी से मिल के आता हूँ। अरे रवि। हाय गौतम। हाय, यामिनी अंदर है क्या? हाँ वो अंदर ही है। ओके। हाय यामिनी। अरे प्रदीप, कैसे तू? या फाइन। यामिनी मुझे तुम्हें बताना था, पता है
श्रीनु एक छोटे से गांव का मजदूर है और उसे पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, सुंदर लड़की के साथ शादी करनी है, लेकिन पता है उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे मजदूरी करनी पड़ती है। फिर एक अनपढ़ लड़की से शादी करा देते हैं। स्मिता कौन है, सुवर्णा कौन है, क्या पढ़ाई जा रहे हो? मैं तो बताना ही भूल गया, मैंने लिखना शुरू किया है। And I want to celebrate with you. तो मैं काम करो, आज हाफ डे ले लो। तुमने कुछ खाया क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए सर दुख रहा है। चलो चल के कुछ खाते हैं। उठो, ढाबे पर चलते हैं। यामिनी, तुम घर से ऐसे ही अचानक चली गई, कहाँ रुकी हुई हो? पापा के घर? यामिनी मैम, आपके पास 5 मिनट है? हाँ मैडम, लंच खाकर आती हैं, तुम लोग जाओ। ओके सर। हाय सर। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, ये बोला था ना मैंने तुम्हें, अगर कोई भी ऐरा गैरा अंदर आया तो तुम्हारी नौकरी गई। ये ऐरा गैरा किसको बोल के गई है? आपको नहीं बोला सर? यामिनी, आपको नहीं बोला? ये किसको बोल के गई है? तुम कौन है? दरवाजा खोल जल्दी, चल। कौन सर? आपको नहीं बोला सर? सर प्लीज चले जाइए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। सर आप यहाँ चाहिए ना सर, प्लीज सर। उसने मुझे बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया, लेकिन उसकी ये नौकरी किसकी वजह से बची है वो ये जिंदगी भर तक पता नहीं कर पाएगी। ये क्या है सर? रिसेशन चल रहा है, खर्चे कम करने ही होंगे। सर इसमें तो यामिनी का भी नाम लिखा हुआ है। I know buddy, you both are couple, but then family is family, business is business। मेरे पास एक आइडिया सर। कई दिनों से मैं ये नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, पर मैं आपसे बोल नहीं पाया, तो शायद यही सही वक्त है इस बारे में बात करने का। Well, तुम चाहो तो हम यामिनी को नहीं निकालेंगे, ठीक है? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था सर, लेकिन मैं हमेशा से ही राइटर बनना चाहता हूँ सर। और यामिनी भी कॉलेज में टॉपर रह चुकी है सर, वो बहुत होशियार है सर। अगर उसे मौका मिलता है तो वो खुद को मुझसे ज्यादा बेहतर साबित कर सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हें पेरिस भेजना चाहते हैं। तुम्हें एक अच्छे फ्यूचर के साथ एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। I'm sorry सर, मैं फैसला कर चुका हूँ। ओके। मैं अब कोई जॉब नहीं करना चाहता। बस एक रिक्वेस्ट है सर, यामिनी को मत निकालिएगा। ठीक है। यामिनी मैं कह रहा था। पीछा मत करो, बात नहीं करनी है तुमसे। यामिनी पहले ऐरा गैरा बोला, बोल रही हो कि पीछा कर रहा हूँ, ये सब क्या लगा रखा है? रुको, मुझे 5 मिनट बात करनी है तुमसे। यामिनी क्या 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास? What is this? पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन सब बर्बाद कर दिया तुमने। और 5 मिनट चाहिए तुम्हें, मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है तुम्हारे लिए। यामिनी! गौतम बाबू, गौतम बाबू, मैडम तो घर पर नहीं है। थोड़ी देर पहले तो ऑफिस से घर आई है, हाँ? कहाँ चली गई? उसके पापा उसे कहीं ले गए हैं। The person you are calling
कर तो यहीं पर आएंगे, एक घंटे में, दो घंटे में, आज नहीं तो कल यहीं आएंगे। मैं उनसे बात करके जाऊंगा, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे बाप बेटी से। अच्छा सुन, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। अंडा है घर में? जी है ना। तो ऑमलेट बना के ला। अभी बना के लाता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो, मस्त लड़की आई है, आ जाओ जल्दी। हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या नसीब है भाई। और किस्मत देखो, हम दोनों का कॉलेज भी एक ही निकला। और मजे की बात यह है कि दोनों को लड़की भी एक ही पसंद आई। सही कहा ना भाई, इन लड़कियों की वजह से ही ना दोस्तों में झगड़े हो जाते हैं। ब्रदर बात तो तुमने एकदम सही कही है, पर मेरा एक पॉइंट है, वो जिसको पसंद करेगी उसकी गर्लफ्रेंड, बाकी सबकी भाभी। इट्स अ वेरी फनी क्लास। तो उससे सबसे पहले बात कौन करेगा? टॉस करते हैं ना। टॉस? हां हां ठीक है, ओके टॉस करते हैं। चलो अरे अरे क्या कर रहे हैं? सॉरी बॉयज। अरे क्या? एक्चुअली डिग्री कॉलेज में भी मैंने मैनेजमेंट पढ़ा था। हे वरुण मैडम, मैं तो हे गौतम, हाय हाउ आर यू? हां ठीक है। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। ओके यामिनी, यामिनी रुको। हाँ प्लीज एक हग दो ना। ओह सो स्वीट। अरे ये छोटा हा? वाला नहीं, असली वाला वार्म टाइट हग चाहिए। ये सुबह सुबह ये सब क्यों? पीछे देखो, काफी लोग हमें देख रहे हैं या नहीं। अरे हाँ, सब लोग हमें घूर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जल्दी से किस दे दो। क्या? छोटी सी पप्पी। नहीं पागल हो क्या? अरे यामिनी, बस एक छोटी सी पप्पी तो मांग रहा हूँ। गौतम यामिनी प्लीज देखो, मान जाओ प्लीज, सब लोग देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, छोटी सी पप्पी बस। यामिनी प्लीज, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। अच्छा ठीक है, उस तरफ देखो। मैं MBA करने वाली हूँ, कैट एग्जाम टॉप किया है। डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। अगर किस चाहिए तो फेस उधर करो। ये तो हमारी भाभी है। बॉयज आपस में बांट लो। ये सब क्या चल रहा है? पहले कहा हग करो, किस करो, फिर बोल रहे हो आपस में बांट लो, क्या चल रहा है ये सब? हाँ यामिनी, मैं बहुत ही एम्बिशियस लड़का हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और उसके लिए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। ये पूरा बैच तुम्हारे पीछे पड़ने वाला था। रोज कोई ना कोई आकर तुम पर ट्राई करता, फिर मुझे उनके साथ मुकाबला करना पड़ता, फिर मेरे हिसाब से अगर चीज़ें नहीं होती तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता, और इसका सीधा असर मेरी पढ़ाई पर पड़ता। इसलिए मैंने तुमसे पप्पी लेकर इनका पत्ता ही काट दिया। अब सब लोग समझ गए हैं कि वी बोथ आर इन लव। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो जानता हूँ, तुम्हें शक है तो खुद से पूछ लो। मैं चलता हूँ, क्लास है। पागल है ना ये। चलो यार। एक गौतम रुको, आ रही हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज एंड टाइम मैनेजमेंट। एक्सक्यूज मी सर, मेरी क्लास में लेट आना अलाउड नहीं है गौतम। सर आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। ये तो पूरे शहर की प्रॉब्लम है गौतम, चलो बाहर निकलो। अभी तक यहीं खड़े हो? जा रहा हूँ सर। गुड। क्या कर रहे हो तुम गौतम? ये क्या है? अब कल दोनों टाइम से आ जाएंगे सर। हम दोनों कॉलेज बंक करके ये डोसा ट्रीट क्यों? ट्रीट का है कि मैंने नाश्ता नहीं किया था। ब्रेकफास्ट नहीं किया? अच्छा। अरे स्टूपिड। एक बात कहूँ? क्या? तुम पैदा ही खूबसूरत हुई थी। और अब कैसे हूँ? अब तुम लगती हो हॉट, सेक्सी। बस इतना ही? अरे और ताकत और भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास में क्यों नहीं आए? ये देखो। क्या लिख रहे हो? बात यह है कि मैं सेल्स में टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नंबर से बहुत डर लगता है, और मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे,
इसलिए मैं नंबर्स को शब्दों में बदलकर ऐसे लिख रहा हूँ कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ? इस बुक का नाम रखने वाला हूँ मैं सिंपल इकोनॉमिक्स। राइटर बन रहे हो? हाँ। अरे बस कोशिश कर रहा हूँ। तुमने कुछ खाया? नहीं। तो चलो चलते हैं। आ जाओ। चलो सर ये लीजिए ऑमलेट। ये यामिनी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर क्यों रही है? रख दे इधर। ये सब क्या है? यामिनी मैडम की शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं सर। पचास हजार का नुकसान? अबे ओए, देख तूने क्या कर दिया। सॉरी 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 बोल के काम नहीं चलेगा। पैसे निकाल, चल और आके देख तूने क्या किया। अबे देखना, एक मिनट रुक जा, मार मार के रॉकेट बना दूंगा। भाग दे कहाँ है? अबे तू पागल वागल है क्या? दूसरी बार ठोक दिया। कोई परेशानी में माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? 0143। देख तेरी क्या हालत करता हूं। जिंदगी में कभी भी प्यार में कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लेना चाहिए। वक्त आने पर वो आपका कॉल भी नहीं उठाती। उस दिन अगर मैंने अपने बॉस की बात सुनी होती तो आज मैं पेरिस में पैसा कमा रहा होता और मनचाही जिंदगी जी रहा होता, मजे कर रहा होता मैं पेरिस में। हेलो, सिर्फ दो साल में हमारे रेडियो स्टेशन ने बाकियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिर्फ दो सालों के अंदर। तो फ्रेंड सुना आपने, आवर रेडियो स्टेशन इन पेरिस हैज टर्न्ड प्रॉफिटेबल इन जस्ट 2 इयर्स। वेल डन गाइस, वेल डन। एक और खुशखबरी है दोस्तों, हमारे मुंबई ऑफिस ने आप सबको 3 महीने की सैलरी बोनस में देने का वादा किया है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सब लोग पार्टी करो, मजे करो, लेकिन कल सुबह टाइम पर आ जाना, ठीक है? सब एंजॉय करो। मैरी या मैरी, सारे पैसे अकाउंट से निकालने को खाता निकाले? हाँ, जो कि है 3.5 लाख यूरो। हाँ इतने ही वो ऊपर बैग में है। ठीक है ले आओ ना प्लीज। ऐसे खेलते कैसे? सर आपको एक नंबर चूज करना है, उसके बाद आप टेबल पर कहीं भी बेट लगा सकते हैं। तो यहाँ लगाने पर 1 गुना मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ 17 गुना और यहाँ 35 गुना। अच्छा 35 गुना? हाँ 35। ठीक है शुरू करते हैं। ओके सर, आपको कितनी बेट लगानी है? सारा का सारा। मैं जीत या हार के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मेरी कमाई की एक एक पाई लगाकर मैं वो जज्बात महसूस करना चाहता हूँ जिसमें एक पल में या तो कुछ पाऊँ या फिर सब कुछ खो दूँ। आज मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, चलो शुरू करें। नो गौतम, फैसला कर चुका हूँ पूरा। तो अब आप एक नंबर चुनिए। वो नंबर जैसे सब डरते हैं, मेरा नंबर 13। ओके, तो 13 पर लगे 350,000। आपने बेट लगा दी, अब हम शुरू करते हैं।
थैंक यू, मेरी पैसा अकाउंट में डाल देना। थैंक्स थैंक्स, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मोसिर विप्ले, मैसे। नो प्रॉब्लम। लेकात्रिया मसर विप्ले। जिस पार्कियो वनाले पार्यूसियो वे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कह रही हैं? मुझे फ्रेंच नहीं आती। आई डोंट नो फ्रेंच। आप इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरा फ्लैट है। सच में? तो हम पहले क्यों नहीं मिले? मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा? हाँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ। मैं 10 to 5 काम करता हूँ तो बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। आज दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था इसलिए लेट आया हूँ। शायद इसलिए नहीं मिल पाए। मैं दोपहर में जाती हूँ और रात को इसी टाइम पे वापस आती हूँ। ओके। क्या आप इंडिया से हैं? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? आपके चेहरे से लगता है। मैं बहुत बार वहाँ गई हूँ। मुझे इंडिया पसंद है, वहाँ का कल्चर पसंद है और आपकी लैंग्वेज से भी लगता है। वैसे मैं भी अभी यही सोच रहा था कि आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। मुझे हिंदी क्या, संस्कृत भी आती है। What? और तुम दिखने में अंग्रेज लगती हो। एक्चुअली मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दुनिया के अलग अलग कोने में जाना पड़ता है और कंपनी की पॉलिसी है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में सीखना बहुत जरूरी होता है। कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। I'm Isa. I'm Gautam. Nice to meet you. Pleasure. तो शुभ रात्रि गौतम। शुभ रात्रि Isa. Bye. Oh, hi Isa, कैसी हो? Hi Gautam. क्या हुआ, आज आप थोड़ा लेट हो गए? तो दिन कैसा रहा? गुड। अच्छा। एक्सक्यूज मी। यस, चलो। ये क्या फालतू टाइम पास हो रहा है? दिन कैसा था, रात कैसा था, फ्रांस में टाइम पास? यामिनी के सामने तो इतना शर्माता नहीं था। ईसा एक पायलट है, उसको तेज चीजें पसंद है, एकदम रॉकेट की तरह। थोड़ा स्टाइल मार यार, हीरो बन हीरो। गुड इवनिंग गौतम। गुड इवनिंग ईसा। तुम कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? नहीं तो अब मैं उठा लेता हूँ। नहीं रहने दो, मेरा दिल मत तोड़ो। ओके। ऐसा लग रहा है कि तुम ऑफिस जा रहे हो। संडे को कौन ऑफिस जाता है? एक्चुअली मैं सैटरडेज को भी काम नहीं करता हूँ। अच्छा, तो कल रात को तुम कहाँ से लौट रहे थे, वो भी इतना लेट? मैंने अलार्म लगाया था ताकि मैं उठकर तैयार होकर नीचे आकर तुमसे मिल सकूं। तो वो एक बहाना था। और ऐसा क्यों गौतम? सुना लड़कियों को इशारा ही काफी होता है। नहीं। गौतम, तुम कल क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। मेरी छुट्टी है, घूमने चलोगे साथ में? क्यों नहीं, जरूर। ओके, गुड नाइट। लाइफ में हमेशा प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी किताब में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। जो मैं चाहूं वो होता है। अपनी आंखें बंद रखो और आराम से सांस लो। अब हम क्या करें, ये तो सो गया। आओ आओ।
सच में तू वाकई सो गया? गौतम, गौतम, ये मुद्रा है। मुद्रा नहीं है, निद्रा है। कम। कल तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा ना? हाँ। लेकिन तुमने ठीक से सोचा क्या? हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। उसके बाद भी मैं पहली नजर में ही तुमसे प्यार कर बैठा था, फिर भी दिल को 3 मिनट सोचने का वक्त दिया, पर दिल से वही जवाब आया तो तुमसे कह दिया। तुमने इस बारे में कुछ सोचा? तुम्हें योगा पसंद नहीं है ना? मेरा योगा कुछ अलग किस्म का, दिखाऊं? गौतम क्या कर रहे हो, मेरी जान लेना चाहते हो क्या? पायलट होकर डरती हो? मैं प्लेन उड़ाती हूँ, प्लेन से छलांग नहीं लगाती। आओ, आओ, आ जाओ, हवा को महसूस करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें मजा आएगा। 1, 2, 3। मैं चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड ब्लैक सूट और बो टाई पहन कर आए। तुम चेंज करोगे? अभी तो शादी से पहले ये सब करना गलत है, तुम्हारे लिए ये सब पवित्र होता है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? संस्कार सिर्फ इंडिया में, यहाँ पे सब चलता है। I love you. I know. I love you. And I love you too. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गौतम, गौतम सुनो। क्या? सुनो। गौतम मेरी बात सुनो। Are you okay? I'm sorry. हम अभी जवान हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, ये सब तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं ना? I'm sorry. क्या हंस क्यों रही हो मुझ पर? नाराज हो गए मुझसे? मत करो। I'm sorry गौतम, आज मेरा बर्थडे है, नाराज मत हो। किसने कहा नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं। इसे यादगार बनाने के लिए कुछ करो प्लीज। यादगार? ठीक है, चलो कुछ ऐसा ही करते हैं।
तो आज का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, तू बता क्या करना चाहता है? ड्रैग रेस हो जाए। कोई रेस करेगा आज? या आनंद, सो लेट्स गो, लेट्स ड्रैग। मॉर्निंग गौतम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से बेटर है। फाइन। हाथ कैसा है? थोड़ा सा दर्द है लेकिन ठीक है। आई हैव ए गुड न्यूज, अब तुम घर जा सकते हो। डॉक्टर। यस। मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ पर है? हे गौतम, डोंट वरी, ये ठीक है। बट इसकी आंखों को क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी, वो अब देख नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर, इसने तो हेलमेट पहना हुआ था। इसकी वजह से जिंदा है, लेकिन आंखें नहीं बच पाई। हमने हर जगह रिक्वेस्ट भेजी है डोनेशन के लिए, हमें अब डोनर का इंतजार है। ये हमारी लिस्ट में टॉप पर है, अब हमें वेट करना होगा। तुमने मुझसे एक यादगार पल मांगा था और मैंने तुम्हें जिंदगी भर का दर्द दे दिया। आई एम सॉरी ईसा, इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। Attention dear passengers of flight Air Lily. Isa? अरे आज हम यही रुकने वाले हैं, तो क्यों ना शाम को मिले? हम कहीं चलकर डिनर कर सकते हैं, क्या कहती हो? अभी अभी मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है, मैं इस शहर को जी भर के देखना चाहती हूँ। तो पेरिस में मिले? ठीक है।
ईजा कॉफी पियोगी? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? पीटर। यस सर। वन कैपुचिनो प्लीज। गेटिंग सर। वो अब मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर है। इस दुनिया को वो नई ऊंचाइयों से देख रही है। गौतम, पूरी दुनिया घूम रही है वो। लेकिन गौतम, इतना बड़ा फैसला तुमने मुझे बताए बगैर कैसे ले लिया? मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम बेहोश थी और किसी को पता भी नहीं था कि तुम कब उठोगी। मुझे तो लगा था कि तुम कभी उठोगी नहीं। गौतम स्टॉप इट। इज़ा, मुझे रेडियो स्टेशन चलाने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है म्यूजिक की सबसे खास बात क्या है? एक अंधा भी उसके मजे ले सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एयरलाइंस वाले बिना आंख वालों को पायलट नहीं रखते। इज़ा, रो मत प्लीज। मैं नहीं रोऊंगी। सबसे खूबसूरत यादों में से एक जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वो मेरी सबसे आखिरी याद बन चुकी है। तुम मुझसे प्यार करती हो ये कहना भी बस एक याद बनकर रह गया। तो ये सिंपथी, सहानुभूति, दया, इन चीजों को मैं नहीं मानता हूं। जब इन आंखों में मेरे लिए पहले जैसा ही प्यार होगा, तब मुझसे आकर मिलना, ठीक है? चलो भाई। यामिनी, तुमने ये सोच कैसे लिया कि सैक्रिफाइस क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले जैसा ही प्यार देखना चाहता। प्लीज वापस आ जाओ। अबे तू क्यों रो रहा है? यामिनी मुझे छोड़कर गई है, तू आंसू क्यों बहा रहा है बे? मैंने श्रीनु की पूरी कहानी पढ़ी, तब से अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूं यार। पापा ने भी पढ़ी और रीचा ने भी पढ़ी, दोनों के दिल को छू लिया इसने। मुझे तुम पर गर्व है यार। ये ले, पापा ने भेजा है तेरे लिए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे तू राइटर है, सारी दुनिया के दर्द को अपने दिल में रखता है और उसे शब्दों में उतारता है। पियो, हंसो, रो और लिखते रहो। Just go for it. Just write. This is your moment. Go for it. ये रुक, ये ले पढ़ ले। ये क्या है? मेरी नई कहानी है, इसे भी पढ़ ले। मैं इसे लेकर जाता हूँ, मुझे डायरेक्टर से मिलने जाना है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। गौतम, एक बार यामिनी को फोन कर ले, वो वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर गौतम। गौतम कहाँ है? वो आया नहीं? नहीं। गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पर इंटरव्यू के लिए तुम्हें कब से बुला रहे हैं? चलो। यामिनी, मेरी बुक छप गई है। तुम्हारे लिए पहली कॉपी लाया हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देखो तो फॉरवर्ड किसने लिखा हुआ है? प्रोफेसर श्रीवास्तव, IIM बैंगलोर। दिस इज अमेजिंग। यामिनी, हर किसी में कोई ना कोई छिपा हुआ टैलेंट होता है। मुझे लगता है कि राइटिंग मेरा टैलेंट है। ये जॉब के चक्कर में पढ़ के मैं राइटिंग नहीं छोड़ना चाहता हूँ यामिनी, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूँ। क्या मैं एक बात बता सकती हूँ? ये बुक, ये वर्ड्स और नंबर्स के बारे में है ना? हाँ। तो 24 नंबर को गॉड का फेवरेट नंबर माना जाता है, इसीलिए दिन में भी 24 घंटे ही मिलते हैं। तो उन 24 घंटों में 8 घंटे काम करो, 8 घंटे सो और 8 घंटे लिखो। देखो, मेरी इस बात का प्लीज बुरा मत मानना,
अगर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, लेकिन खाली पेट तुम ठीक से लिख नहीं पाओगे गौतम। अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए इंटरव्यू दे दो, इतना कर सकते हो मेरे लिए? ठीक है। जानती हो मैं इंटरव्यू देने क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैंने तुमसे कहा। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मेरी माँ की तरह समझा। पापा। हाय यामिनी। अब ये मेरा फ्रेंड है गौतम। हाय गौतम। हाय। हाय सर। बैठो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स पापा। हमारी ये कंपनी और इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद तुमने इतना बड़ा फैसला किया कि तुम एक मैनेजमेंट ट्रेनी बनोगी। ट्रू प्रोफेशनलिज्म। पापा, अब गौतम को भी अच्छा जॉब मिल गया है। ओह, कांग्रेट्स। क्या जॉब है? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। कौन सी कंपनी? ग्लोबल टर्नल टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली मैंने 2 साल तक सेल्स में काम किया था, इसके बाद तो बताओ यामिनी, अपनी दोस्तों को कहाँ पार्टी दे रही हो? 5 स्टार 7 स्टार या डेस्टिनेशन पार्टी? नहीं नहीं पापा, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, वो गौतम को मिलवाने लेकर आई थी आपसे। हाँ, तुमने अभी भी मिलवाया ना हम लोगों को। हमने शेक हैंड्स भी तो किए। वैसे नहीं पापा, वो इंट्रोड्यूस करवाना था। ओह, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। क्या तुम जानते हो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं सर, लेकिन आई एम एन ITI गाय। ITI के बारे में जानते हो? तुम्हारी पीढ़ी के बच्चे शायद नहीं जानते। ये एक ट्रेड जॉब है और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल था। अगर किसी का बल्ब खराब हो जाए तो उसे ठीक करना, किसी का फैन ठीक करना, बिगड़ी मोटर ठीक करना। एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी के पीछे दीवाना था, उसी की बदौलत आज यहाँ पर हूँ। आज तुम सब लोग बहुत ही क्वालिफाइड हो, काफ़ी कुछ जानते हो, और तुम तो MBA हो। इतने साल पढ़ने लिखने के बाद तुम जैसे लड़कों का गोल क्या होता है? हाँ, एक अमीर लड़की को ढूंढना और उसको पटाना, उसके साथ शादी करना और उसके बाप की जायदाद का वारिस बन जाना, राइट? डैड, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आप गौतम की नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। यू आर हर्टिंग मी। नहीं नहीं, इंसल्ट नहीं, बस हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हारे इंसल्ट की मैंने मैं तो बस नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो आपको हम दोनों के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? फ्यूचर? किसका फ्यूचर? मेरा और गौतम का। हम दोनों का? मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। इट्स नॉट हैपनिंग। I'm so sorry, गौतम। मुझे नहीं पता था पापा तुमसे ऐसे बात करेंगे। कोई बात नहीं, अब क्या इरादा? दो ऑप्शंस हैं। पहला है भागकर शादी करना, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया वाले पापा को बहुत परेशान करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी रिस्पेक्ट जाए। मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगा। दूसरा रास्ता है लिव इन रिलेशनशिप। क्या उससे मीडिया को फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ हमारे बारे में होगा, वो हमारे लव के बारे में, हमारी डेटिंग के बारे में होगा, पापा की इमेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लिव इन में रहते हैं गौतम, फिर पापा भी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। वो राजी हुए ही नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे पूरी जिंदगी। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो ठीक है। फोन नहीं उठा रही, कब तक नहीं उठाएगी?
गौतम मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। आओ अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ बैठो बैठो। यामिनी मैं बदल चुका हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि बुक लिखूं। देखो मैंने दो कहानियां लिख दी हैं। I love you, यामिनी। गौतम, गौतम। मैं खाना बनाने में घर साफ करने में हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। गौतम। यामिनी तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मत छोड़ो गौतम। मुझे अकेला। गौतम मैं शादी कर रही हूँ। तीन दिन में मेरी शादी है। सबसे पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही देने आई हूँ। मैं नहीं चाहती थी शादी की बात तुम्हें कहीं और से पता चले, इसीलिए सोचा खुद यहां कर बताऊं। I'm so sorry, गौतम। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी जाओ और जाकर ये शादी कैंसिल करो। ये शादी नहीं हो सकती है। हमने कोशिश की तो थी गौतम, लेकिन हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम चार साल से एक दूसरे को जानते हैं, डेढ़ साल से साथ में रह रहे हैं, और तुम बोलते हो तीन दिन में शादी करोगी। पागल हो गई हो क्या? प्रॉब्लम इससे थी कि मैं लिखने रहा हूँ, पर अब तो मैं लिख रहा हूँ ना, तो क्यों जा रही हो तुम? पिछले डेढ़ साल से मैं बस यही सुन रही हूँ गौतम, मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं ये शादी नहीं हो सकती। तुम शादी नहीं कर सकती यामिनी। मैं शादी कर रही हूँ। यामिनी प्लीज ये शादी मत करो तुम। प्लीज ये शादी कैंसिल कर दो यामिनी। यामिनी प्लीज यामिनी प्लीज यामिनी छोड़ो मुझे। दूर रहो मुझसे। मैं शादी कर रही हूँ, हटो जाओ मुझसे। दूर रहो। तुम जाओ। तुम वापस आई क्यों? छोड़कर चली गई थी ना, तो ये शादी का कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी? क्या सोचा था मैं ये सुनकर खुश होऊंगा, आशीर्वाद दूंगा तुम्हारी शादी के लिए? जाओ किसी से भी शादी कर लो। यामिनी मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया यामिनी, तुम्हारी आत्मा से किया, खुद से भी ज्यादा किया यामिनी। बाय बाय बाय। यामिनी सॉरी यामिनी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई जॉइन यू यामिनी। तुम मुझसे बात करना चाहते हो ठीक है, तो फिलहाल मेरी एक बात मानो समझे प्लीज। हम लोग उधर चल के बात करते हैं। चलो। तुम दोनों साथ रहते थे तब मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे गौतम के साथ नहीं रहना, ऐसा यामिनी का कहना है, इसलिए उसकी शादी तय कर दी। और अब तुम्हें उसके बाद उसे रोकने का कोई हक नहीं है। और अभी तुम्हें यामिनी से बात करनी है ना, तो ठीक है को टॉक। यामिनी मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आज सुबह मैंने तुमसे काफी कुछ कहा, लेकिन वो सब गुस्से में कहा था। यामिनी तुम एक अजनबी से शादी कैसे कर सकती हो? माना हमारी लड़ाई हुई, पर अब सिर्फ दो घंटे का वक्त है, तो यामिनी मैं वादा करता हूं सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद लड़ाइयां नहीं होती? तब लड़ाई हुई तो क्या करोगी, डाइवोर्स दे दोगी? यामिनी बात को समझो प्लीज, एक मौका दो मुझे। यामिनी मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा तुम बोलोगे तो राइटिंग भी छोड़ दूंगा मैं नौकरी कर लूंगा ठीक है। तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यामिनी तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। I'm sorry, गौतम। ये सॉरी का क्या मतलब है यामिनी? प्लीज जाओ यहां से। यामिनी हम बैठ के बात करते ना, सारे किले शिकवे दूर कर देंगे। यामिनी यामिनी एक मौका दो मुझे। Enough, बात हो चुकी, जाओ। अंकल आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने क्या कहा था? आपने कहा था आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी दौलत हासिल की। पता है क्यों? क्योंकि आपको पैसों से बहुत प्यार है। लेकिन सभी को पैसों से प्यार नहीं होता। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और सिर्फ यामिनी से प्यार करता हूँ। सच में हमें वो मिल जाना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। तो बुलाओ अपने प्यार को, वो आ जाए तो ले जाओ अपने साथ।
मैं रोकूंगा नहीं। यामिनी, अरे रे 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 रे, डेंट पड़ गया, अभी ठीक करता हूँ, देखता जा। दिल में जो दर्द है ना, उसे मैं बोल के नहीं बता सकता, इसलिए जख्मों के जरिए बता रहा हूं तुम्हें। अब जो दर्द अंदर है वही बाहर भी हो रहा है, तो क्या बोलता है, अब भी लड़ाई करेगा? तो आजा। तेरे दोस्त है ना, कम से कम तेरे पास ये तो है, मेरा तो कोई भी नहीं है। तुझे लगता है इससे मुझे दर्द होगा? मेरा बाप नहीं है, माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, नहीं। और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी किसी और से शादी कर रही है, नहीं, नहीं, नहीं। तो मेरे मरने के बाद भी कोई रोने वाला नहीं है मेरे पीछे? तुमने ऐसा क्यों किया यामिनी? I love you यामिनी, I love you।
वापस आ जाओ यहाँ पे। आप सुन रहे हैं 98.3 रेडियो मिर्ची और मैं हूँ आपकी प्यारी भार्गवी। वर्ल्ड फेमस लवर किताब के लेखक मिस्टर गौतम आज जेल से छूटने वाले हैं। किताब में गौतम और यामिनी की अधूरी कहानी होते हुए भी उसकी 50 लाख कॉपी बिक चुकी है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज गौतम अपने फैंस से मिलकर इस कहानी का राज खोलने वाले हैं। तो शाम को मिलना ना भूलें, तब तक सुनते रहिए ये खास गाना 98.3 मिर्ची पर। इट्स हॉट। गौतम चलो। आजा। ओके ओके, आराम से, एक-एक करके। हाथ हिला दे, स्माइल कर। ओके ओके, हाँ, ठीक है। ओके, बाद में। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज सर। हाँ, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी। वेलकम होम गौतम। तेरी बुक्स और लैपटॉप वहां टेबल पर है और वो रिव्यू आ गए हैं। अरे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। तेरे घर चलते हैं ना। अरे वहां बाद में चले जाएंगे, तू अंदर तो आ, मैं तुझे बताता हूँ। हमारे पास बहुत काम है। देख, हमारी एक प्रेस मीटिंग है, उसके बाद तुम्हें फैंस को ऑटोग्राफ देना है, फिर तू सबको वर्ल्ड फेमस लवर की बाकी बची हुई कहानी सुनाएगा। हमें बहुत कुछ करना है आज, बैठ ना। हेलो। हाँ वो प्रेस मीटिंग आज ही है, हम पहुंच जाएंगे। यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं। तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ गौतम, मैं शादी कर रही हूँ। गौतम तुम क्या सोच रहे हो? इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ। हमारे बुजुर्ग ना सही कहते हैं, जब हम कुछ खोते हैं तो हमें उससे बेहतर ही मिलता है। शायद तेरे साथ भी यही हो रहा है। अगर तुम्हारे बीच झगड़ा नहीं होता तो शायद ये बुक कभी नहीं छपती और शायद तुझे इतनी सक्सेस भी नहीं मिलती। भाई तू जानता है तू कितना लकी है, तूने उसके सिर पर पत्थर मारा फिर भी वो बच गया और तुम सिर्फ 2 साल में जेल से बाहर आ गए। आज तक कभी सुना है कि किसी बुक का आखिरी पेज खाली होने के बावजूद उसकी 50 लाख कॉपी बिकी हो? मेरी बात मान गौतम, प्लीज जाओ और उस कहानी को कंप्लीट कर दे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस लवर। तैयार हो जा। आप सब बैठ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। शायद इंडिया में पहली बार हुआ है कि एक लेखक को उसकी किताब के साथ साथ इतनी प्रशंसा मिली हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन का अर्थ ना हो और किताब का अंत ना हो तो दोनों ही बेकार हैं, लेकिन इस बुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। सॉरी गौतम, ये बुक हमने तुम्हारी परमिशन के बिना ही सीसी पब्लिशर द्वारा छपवा दी थी। शायद ये हमारी फ्रेंडशिप की ताकत है कि हम इतना अहम निर्णय ले सके, क्योंकि जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैं इस किताब को पब्लिश किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाया। तो और वक्त गवाए बिना मैं बुलाना चाहूंगा मेरे भाई को, द वर्ल्ड फेमस लवर हिमसेल्फ गौतम। आप सब लोग काफी अरसे से ये जानना चाहते हैं कि बुक का अंत क्या और कैसे होगा, है ना? We love you, Gautam! We love you! We love you, Gautam! सर, यामिनी और गौतम का क्या हुआ? उस हादसे के बाद जब गौतम जेल गया तो यामिनी टूट गई और उसका इंतजार करने लगी।
उसने किसी के साथ शादी नहीं की। किताब के नाम पर कहानी ऐसे भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। वर्ल्ड फेमस लवर बुक में जो यामिनी और गौतम की जो कहानी आपने पढ़ी है वो मेरी कहानी है, और असली जिंदगी में कोई इंतजार नहीं करता, हमें अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है। कंप्यूटर की तरह हमारी जिंदगी में बैकस्पेस बटन नहीं होता, हमें गलतियों को डिलीट करके फिर से लिखने का मौका नहीं मिलता। यामिनी ही मेरी सब कुछ थी, मैंने मां बाप से ज्यादा यामिनी के साथ वक्त बिताया है। जब मैं राइटर बनना चाहता था तब उसने मुझे सपोर्ट किया, बस एक साल के लिए। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। जब मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था तब वो मेरे साथ थी, जब मैं ये किताब लिख रहा था तब वो मेरे साथ थी, और आज जब मैं आप सबके सामने खड़ा तो मेरे साथ नहीं है। वो अपने परिवार के साथ पता नहीं कहां पर है। I miss her. राइटर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदगी में तो मैं फेलियर ही हूं, क्योंकि मैं उस खास इंसान को समझ नहीं पाया जो मेरी जिंदगी में हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी। मुझे लगा उसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर मैंने कोई बड़ा बलिदान कर दिया। मुझे लगता था इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी वो मुझे समझ नहीं पाए। शुरू में मैंने श्रीनु और सुवर्णा की कहानी लिखी, उसमें श्रीनु स्मिता को छोड़कर अपनी पत्नी के पास लौट गया, तो मुझे लगा कि श्रीनु ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे लगा श्रीनु के त्याग की प्रेरणा मेरे अंदर से मिली है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज श्रीनु ने नहीं किया था, सुवर्णा ने किया था। उसी तरह मैंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यामिनी ने किया था। पेरिस की कहानी में भी जब गौतम ने ईसा के लिए अपनी आंखें दान कर दी तो मुझे लगा ये मेरा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन उस गौतम ने जो बलिदान दिया था वो मेरा नहीं था, बल्कि यामिनी का था। यामिनी अपना घर और परिवार छोड़कर मेरे साथ आई, और किस लिए? सिर्फ मेरे प्यार के लिए। पता नहीं क्यों मैंने उसे पहले की तरह प्यार करना बंद कर दिया, लेकिन वो मेरा मां की तरह ख्याल रखती रही। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी कहानियां और उसमें मौजूद लोगों का सारा कॉम्प्रोमाइज, बलिदान और प्यार की भावना सब उन पलों से प्रेरित है जो मैंने यामिनी के साथ बिताए। इस किताब पर जो लिखा है वर्ल्ड फेमस लवर, वो मैं नहीं हूं, यामिनी है मेरे लिए वर्ल्ड फेमस लवर, यामिनी है। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मोमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, बाय। हाय गौतम, तुमने बिल्कुल सच कहा था, मैंने हमेशा पैसों से प्यार किया, नो रिग्रेट्स। पैसों के पीछे भागते भागते मैंने कभी अपनी बीमार बीवी का भी ध्यान नहीं रखा, उसे बचा नहीं पाया मैं। उस दर्द का तो हकदार मैं अपने को मानता हूं, लेकिन ये जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तुम्हें यह बताने नहीं आया हूं कि मैं बदल गया हूं या फिर मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूं, मैं तो बस इस दर्द से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद मांगने आया हूं।
जैसे ही उसे पता चला कि तुम्हें जेल हुई है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शादी के लिए मना कर दिया। तुम्हारे पागलपन की सजा मेरी उस प्यारी बेटी ने भुगती है। तुम्हें पता है वो 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ये 2 साल उसने रोते हुए उस कमरे में बिताए। उसका कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ ये सजा भुगती है उसने। दरअसल मेरी बेटी के अंदर तुमसे मिलने के लिए हिम्मत नहीं बची थी। क्या कहा था तुमने कि जो जहां भी है वो वहां खुश रहे? ऐसा कह देने से वो खुश रहेगी? वो तुम्हारे बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकती। एक एहसान करो मुझ पर, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी, मैंने तुम्हें आज तक जितना भी दर्द दिया है उसे मिटाकर अब जिंदगी में सिर्फ प्यार भरना चाहता हूं। घर का पता जानते हो ना, मेरे GPS। चलो घर चलते हैं।